हाल ही में बुलंदशहर की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वीरेंद्र सिंह सिरोही जी का निधन हुआ। अब चर्चा है वहाँ पर उपचुनाव होगा। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर जी। बात करेंगे वहाँ के उपचुनाव के बारे में, अगर उपचुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी पार्टी की, और आपका इस बारे में क्या कहना है? सेफी जी, आदरणीय वीरेंद्र सिरोही जी हमारे प्रदेश के भी, देश के, मतलब बुलंदशहर के भी बड़े नेता थे। सबसे पहले तो उनके अकस्मात निधन पे मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, हमारी पार्टी दुख व्यक्त करती है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा दुख व्यक्त करती है। और मेरा आपसे भी कहना और सभी साथियों से भी कहना है, मैंने कुछ समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, अरे भाई ये एक हमारे समाज की, सभी के समाजों की एक परंपरा है। तो इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी उनकी शोक सभा से पहले कुछ नहीं बोलेगी। और अभी इतना जल्दी भी नहीं है, अभी इतना जल्दी उपचुनाव नहीं हो रहा है। जब उपचुनाव होगा, जब देखे जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन प्रत्याशी रहेगा पार्टी का, कौन नहीं रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से, सब नेताओं से बात करेंगे। परंतु आज मेरा इस पर यही कहना है कि कुछ अखबार वाले भी इसको लगातार छाप रहे हैं, जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके अगले दिन से छाप रहे हैं। अरे भाई, सारी प्रेस, सारे नेताओं से, जो MLA बनना चाहते हैं उनसे, जो प्रेस वाले हैं उनसे, मेरी एक ही विनती है कि अरे भाई कम से कम उनकी शोक सभा तक तो रुको। शोक सभा के बाद में रोज़ राजनीति होती है, रोज़ राजनीति करेंगे, सब बात करेंगे। तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, केवल मैं इतना कहूँगा समाजवादी पार्टी उनकी शोक सभा तक इस पर कुछ नहीं बोलेगी।